पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर पथराव के बाद अब रालोद के कार्यकर्ताओं ने अमरोहा में मंत्री भूपेंद्र चौधरी का पुतला जलाया है। मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने बागपत में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी है। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया है। इस दौरान राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के कुछ मंत्री महापुरुषों के खिलाफ गलत बयानबाजी कर समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का जबरदस्त विरोध हो रहा है और इनके मंत्री और विधायक लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बड़े शहरों में पहुंच जाए तो 60 रुपए हो जाए, 20-30 रुपए में डबल हो जाए। हमारे घर खेत से कोई सब्जी आलू फल सब जो भी निकलता है हम लोग बेचते हैं तो उसका रेट अलग है, उपभोक्ता खरीदता है तो उसका रेट अलग है। ये विषय है और ये सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं। जहां तक चौहान साहब की बात है तो चौहान साहब को आप लोगों ने बहुत सम्मान प्यार सबने दिया और आप ही लोगों ने ज्यादा दिया। जब आप जेल लगे तो हम लोगों ने जेल शुरू कर दिया। अगर चौहान साहब को एक आध बार आप लोग निपटा लेते तो चौधरी चरण सिंह ना होते। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बागपत में हुई एक सभा में किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के खिलाफ असभ्य भाषा का प्रयोग किया, जिसके विरोध में उन्होंने मंत्री भूपेंद्र चौधरी का पुतला फूंका है। पुतला जलाते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र चौधरी ने जो किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के खिलाफ गलत टिप्पणी की है उसके लिए वो माफी मांगे, नहीं तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने एक बयान किसानों के मसीहा किसानों के भगवान आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के बारे में दिया था, ये उसी के विरोध में है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के दिलों में बसते हैं, वो किसानों के भगवान हैं। अगर कोई भी आदमी किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम करेगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हमारी मांग यही है कि उन्हें कम से कम कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे लोगों को जो चौधरी चरण सिंह जी, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी भाजपा, जब वोट मांगने का अवसर आता है तब तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते हैं, लेकिन जब उनका सम्मान करने का नंबर आता है तो तब लोग इसी तरीके से अपमान करते हैं। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और वो एक संवैधानिक पद पे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।